हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी हूँ मैं दहीसर में जिया के रूम पे और मेरे साथ है टकू। क्या देख रहा है बेटा बाहर? टकू बेटू ये देखो, इसको ना बस सहलाते रहिए, थोड़ा सा सहला के छोड़ दीजिएगा ना, ये हाथ मारता है कि और सहलाओ। ये देखो। अरे बेटू, अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, फिर घूम फिर के आ जाऊँगी। मेरा बच्चा क्या नहीं चाह रहा है जाए? ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ, बट मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ 11:30 बजे, क्योंकि मम्मी और सचिन ने फ़ोन करके बेचैन कर दिया कि घर पे आ जल्दी आ। तो मेरा ट्रॉली रेडी है, क्योंकि ट्रॉली से मैंने कुछ निकाला नहीं है, सिर्फ एक सेट कपड़े निकाले हैं और जो भी है जैसा है पूरा पैक है, पर्स ले लिया है। सो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ से मैं ऑटो लूँगी और फिर मेट्रो स्टेशन जाऊँगी। वहाँ से मैं मेट्रो चेंज करके एक और मेट्रो लूँगी जो घाटकोपर तक जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेन लूँगी, देन मैं घर जाऊँगी। मुझे 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं, मैं भी 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो हम लोग बाहर आ गए हैं और जिया ट्रॉली अंदर सेट कर दी है, चल आके मिलती हूँ। बाय बाय, आके मिलती हूँ। ओके चलिए, ओके बाय बाय। तो मैं आनंद नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूं और अभी जा रही हूं टिकट लेने सामने काउंटर से, देन चेकिंग कराऊंगी सामान का और उसके बाद से निकलूंगी मैं आनंद नगर से। जगह का नाम भूल गई, वैसे मैंने व्हाट्सएप पे लिख के रखा है, जिया ने मुझे बताया। सो मैं चेक करने वाली हूं और पूछना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी मेट्रो, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रही हूँ और मैं जब आई थी ना तो यहाँ पे मेट्रो चालू नहीं था, मतलब ये हाल फिलहाल में ही चालू हुआ है। ये रहा मेट्रो का टिकट, और बहुत सारे जगह पे टोकन मिलता है लेकिन यहाँ पे टिकट मिला है और इसका जो प्राइस है मात्र 30 रुपये है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मुझे मिलेगी मेट्रो। सो चलते हैं और मुझे जाना है गुंदावली। अभी मैं वेट कर रही हूँ दूसरा वाला मेट्रो, क्योंकि मेट्रो चेंज करना पड़ा गोंदावली में और ये जो मेट्रो है ये मुझे लेके जाएगी घाटकोपर में, भी आधा घंटा लगे और वहाँ से मुझे लोकल मिलेगा जो कि 45 मिनट के आसपास में मुझे कल्याण छोड़ देगा। मैं मम्मी से कल्याण मिलूँगी, फिर वहाँ से मम्मी किसी रिलेटिव के यहाँ मुझे लेके जाएगी और जो रिलेटिव है उनके यहाँ आज ही मिलने जाना है। बताओ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ बट मम्मी ने बोला है, मम्मी का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा, वरना चप्पल जूते से बारिश होगी मेरी। और आज का जो मौसम है ना सुहाना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस मुझे ना चाय की तलब हो रही है। ऐसा लग रहा है ना कि एक कप चाय मिल जाता ना या कॉफ़ी तो मज़ा आ जाता, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं घाटकोपर स्टेशन उतरूँगी ना तो वहाँ पे सोच रही हूँ चाय पी लूँ, अगर लोकल ट्रेन आ जाएगी तो नहीं पी पाऊँगी, अगर लोकल ट्रेन में समय रहेगा तो मैं चाय पी लूँगी और कुछ खा भी लूँगी, क्योंकि अभी पूरे 1 हो रहे हैं और मैंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। सो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और क्या, तो मिलते हैं घाटकोपर में। अभी हूँ मैं घाटकोपर और यहाँ पे लोकल का वेट कर रही हूँ। एक अमरनाथ की गाड़ी है जो कि अभी आएगी जस्ट 1:21 में, फास्ट है। अभी देखती हूँ चढ़ पाऊँगी कि नहीं चढ़ पाऊँगी, जल्दी जाना है, लेट हुआ है और बहुत तेज की भूख लग रही है, चाय पीने का समय नहीं है। सो मैंने 2 वड़ा पाव लिया है, 1 कोल्ड ड्रिंक लिया है जो कि मैं ट्रेन में बैठे खाने वाली हूँ। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये लेडीज़ डब्बा है और इस तरफ जेंट्स का है, तो मैंने सोचा कि लेडीज़ डब्बा में आते हैं, चढ़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरी ट्रेन देखेंगे। और बारिश बहुत भयानक हो रही है और मेरे पति ने फ़ोन किया था और वे बोल रहे थे कि पटना में भी बारिश हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं था कि बारिश होगा क्योंकि पटना में बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अब हो रही है। खैर ठीक है, तो लेते हैं ट्रेन वरना ट्रेन छूट जाएगी। दोस्तों अभी हूँ मैं कल्याण स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म नंबर है 4। मैं मम्मी को फ़ोन की, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद उनका जो फ़ोन है पर्स वगैरह में होगा, मे बी वो ट्रेन में हो। जैसे ही आती है उससे मिलूँगी एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मम्मी से मिलने के लिए। ये मेरी लोकल ट्रेन थी जो कि यहाँ से खुल के अम्बरनाथ जाएगी। ओके, तो मैं जा रही हूँ मम्मी को ढूँढने। अभी हूँ मैं ऑटो में और पहुँच चुकी हूँ टिटवाला, बस थोड़े ही देर में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। मैं और मम्मी दोनों लोग साथ में हैं
मम्मी और मैं दोनों लोग गए थे एक आदमी के घर पे, वहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, एक छोटा सा पप्पी था उससे मिली और उसके बाद से हम लोग निकल गए। और अभी इवनिंग हो रहा है, अभी भी बारिश ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं हल्की हल्की गिल्ली हो रही हूँ साइड से। तो क्या चलते हैं घर। अभी मैं नीचे हूँ और बगल में गणपति जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति रखी गई है, एक बड़ी मूर्ति है और उसके साथ में दो, एक तरफ छोटी मूर्ति, दो एक तरफ छोटी मूर्ति रखी गई है। एंड बहुत ही प्यार से धूमधाम से बप्पा का आज विदाई होगा, तो मैं जा रही हूँ आरती इंजॉय करने के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं आखिरी दिन पर मुंबई में आके पप्पा का दर्शन कर रही हूँ। पिछले साल भी मैंने पप्पा का दर्शन किया था और मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ भी पप्पा का मस्त वाला, अच्छा वाला, प्यारा वाला वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, पप्पा का दर्शन कीजिए, जो भी दिल में हो मांग लीजिए, सारी चीज़ें पूरी होती हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।